वैसे तो हमारे देश में स्वास्थ्य को लेकर नई नई स्कीम चलाई जाती हैं, लेकिन अब भारत के लिए हेल्थ से रिलेटेड एक बुरी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, जिस पोलियो वायरस की समाप्ति को लेकर देश निश्चिंत था, वहीं पोलियो वायरस फिर से दस्तक दे सकता है। बता दें कि राजधानी से सटे गाजियाबाद स्थित मेडिकल कंपनी बायोमेड द्वारा बनाई गई ओरल पोलियो वैक्सीन में टाइप 2 वायरस पाया गया है, जिसे पोलियो कहते हैं। इस खुलासे के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि पोलियो फिर से दस्तक दे सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि ये वैक्सीन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में दोनों राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा पोलियो वैक्सीन में प्रतिबंधित टाइप 2 एंटीजन पाए जाने के मामले में शुक्रवार को बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड के MD डॉक्टर SP गर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने केंद्रीय औषधीय मानक नियंत्रण संगठन के निरीक्षक श्री बाबू की तहरीर पर कंपनी के MD डॉक्टर SP गर्ग, बेटे पुनीत गर्ग, पत्नी कविता गर्ग, भाई राजेंद्र प्रसाद गर्ग और उनकी पत्नी कविता गर्ग के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 17A और BA 27A और 30AG के तहत FIR दर्ज की है। उधर पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिर्जापुर में अगस्त 2018 में एक बच्चे के तौर पर कमी पाई गई थी। जांच में पता चला कि बच्चे ने 2 दिन पहले ही पोलियो की खुराक ली थी। चेकअप कराया गया तो पोलियो का टाइप 2 एंटीजन पाया गया। इसके बाद केंद्रीय औषधीय मानक नियंत्रण संगठन ने मिर्जापुर और गाजीपुर में बायोमेड द्वारा सप्लाई वैक्सीन का सैंपल लिया। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि देश के अन्य राज्यों से सैंपल भरकर जांच के लिए हिमाचल स्थित कसौली प्रयोगशाला में भेजे गए, जहां से एक सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें टाइप 2 एंटीजन की पुष्टि हुई। आरोप है कि बेंच 10 का सैंपल सब स्टैंडर्ड पाया गया, जिसके बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर केंद्रीय औषधीय मानक नियंत्रण संगठन ने बृहस्पतिवार रात कबीरनगर में कंपनी के MD और अन्य डायरेक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शुक्रवार को पुलिस ने डॉक्टर SP गर्ग को CJM कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।